हेलो फ्रेंड्स, द बेस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज का क्लास एमआर में भी क्लियर प्रैक्टिस शीट नंबर 1 को लेकर आए हैं, जो कि आप लोग के बीच में बेहद फायदेमंद होने वाला है। आज का जो क्लास होगा जीके जीएस का, दोस्तों सेम ऐसा ही प्रश्न आप लोग के पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए देर ना करते हुए चला जाए आज के पहले प्रश्न पर। तो आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देख क्या रखा है दोस्तों। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे, ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी बलदेव सिंह, ऑप्शन सी श्री जगजीवन राम, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत के जो स्वतंत्र भारत के पहले जो रक्षा मंत्री थे वे हम लोग के बलदेव सिंह थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, बलदेव सिंह थे। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री यदि कहा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। यदि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कहा जाए तो आर के शणमुखम शेट्टी जी थे, आर के सर मुखम चेट्टी जी थे। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कहा जाए तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कहा जाए कि कौन थे तो राजकुमारी अमृता कौर थी, राजकुमारी अमृता कौर थी। तो कहा जा रहा है कि पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, पहले वित्त मंत्री आर के शणमुखम चट्टी, पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, पहले स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 2, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन है? ऑप्शन ए राजीव कुमार, ऑप्शन बी सुकुमार सेन, ऑप्शन सी सुनील अरोड़ा, ऑप्शन डी शक्तिकांत दास। भारत के वर्तमान जो मुख्य चुनाव आयुक्त तो हैं, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं और ये 25वें नंबर के हैं। यदि पहला कहा जाए कि पहला कौन थे तो पहला हम लोग के सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन। और यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद कहा जाए तो 324, कार्यकाल इसका पूछा जाए, वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल कितना होता है तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो आयु पहले पूरी हो, जो पहले पूरा होगा वही उस इनका कार्यकाल है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजीव कुमार और ये 25वें वर्तमान आयुक्त हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। सुमन बेरी। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष, बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष 36वें नंबर के रोजर विन्नी हैं, रोजर विन्नी है।
आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष ग्रेग बर्कले हैं, जो न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। ग्रेग बर्कले इसरो के वर्तमान अध्यक्ष दसवें नंबर के सोमनाथ शर्मा जी हैं, दसवें नंबर के सोमनाथ शर्मा जी हैं। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, तो भारतीय गवर्नर लगाया है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। यदि केवल गवर्नर कहता पहला तो उस्मान स्मिथ, उस्मान स्मिथ, और इस समय वर्तमान में शक्तिकांत दास जी 25वें गवर्नर हैं। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 3, अगला दे रखा है कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी झारखंड। तो कामाख्या जो माता मंदिर है वो आप लोग का असम राज्य में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा जगन्नाथ मंदिर कहां स्थित है, तो पुरी उड़ीसा में स्थित है। ब्लैक पैगोडा कहां है, तो ब्लैक पैगोडा सूर्य का मंदिर है और ये उड़ीसा में स्थित है। वृंदावन गार्डन कहां पे है, तो मैसूर कर्नाटक में, मैसूर कर्नाटक में वृंदावन गार्डन है। बेल्लूर मठ कहां पे है, कोलकाता में। सबरीमाला मंदिर है केरल में। मोडेरा का सूर्य मंदिर कहां है, तो मोडेरा का जो सूर्य मंदिर है वो गुजरात में है। जगन्नाथ मंदिर कहेगा पूरी उड़ीसा में, ब्लैक पैगोडा उड़ीसा में, वृंदावन गार्डन मैसूर कर्नाटक में, बेल्लूर मठ कोलकाता में, सबरीमाला मंदिर कहा जाएगा तो केरल में, मोडेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में। नेक्स्ट देखिएगा चौथा प्रश्न, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी फिल्म, ऑप्शन सी विज्ञान, ऑप्शन डी पर्यावरण। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है और दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली महिला 1969 में, 1969 में देविका रानी रोरिक थी, देविका रानी रोरिक थी। नेक्स्ट देखिएगा अगला दे रखा है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस पुरस्कार की शुरुआत पूछा जाएगा तो 1961 ईस्वी में हुआ था। सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये भी साहित्य के ही क्षेत्र में दिया जाता है। व्यास सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये भी आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका भी आंसर दोस्तों साहित्य के ही क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रेमी पुरस्कार पूछा जाएगा तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाएगा। ग्रेमी पुरस्कार, तो इसका आंसर हो जाएगा संगीत के क्षेत्र में यह दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, सरस्वती सम्मान पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, व्यास सम्मान पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, ग्रेमी पुरस्कार कहा जाएगा तो संगीत के क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिएगा अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क,
ऑप्शन बी जनेवा, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी काठमांडू। विश्व स्वास्थ्य संगठन को WHO के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो जनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसलिए प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को मनाया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। और ये अमेरिका का एक शहर है। विश्व बैंक का मुख्यालय है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC है, ये भी अमेरिका में पड़ता है, अमेरिका की राजधानी है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम इटली में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, तो इसका आंसर हो जाएगा द हेग। नाटो का मुख्यालय है, तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय WTO संक्षिप्त में इसी को कहते हैं और इसका मुख्यालय जनेवा में। तो इस तरह के प्रश्न दोस्तों आप लोग को MR नेवी में देखने को मिलेगा।